गाड़ी में सामान है। अरे गाड़ी में सामान है। हाँ भाई क्यों? रुका 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 रुका। क्या क्या देख रहे हो? अबे उठ। क्या रखा अंदर? बात कर। कहाँ से आ रहा है? आगरा से। पता है तुम किससे बात कर रहे हो? मिनिस्टर को बुलाऊं? ये बैग खोल कर देख, ठीक से चेक कर। जनशक्ति लोग उत्तर प्रदेश का। ए, ये यूपी नहीं है, छत्तीसगढ़ है साहब। ये मिला है, माल मिल गया साहब। ये क्या है? अरे नहीं, क्या है ये? अरे बोल, माँ को ढूंढ निकालना है। ए, निकालना क्या है? चलो जल्दी निकाल। इसको लेकर चलो। मैंने कुछ नहीं किया। चलो 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 सब उतरो, चलो सब लोग। अपने पैर संभाल के रखना, ठीक है? आजा संभाल। अरे रेस लगाने चली और इसी के पैर को ऐसा होना था। वाह कितना मजा आ रहा है ना रानी? मजा आ रहा है ना? प्लीज छोड़ो मत, मैंने कहा मुझे छोड़ो मत। रनिंग करोगी? चलो अरे रनिंग करते हैं। इधर इधर। हे अरे संभाल कर, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। रुक जा, आओ देखती हूं। मजा आ रहा है। करो रनिंग रानी, मजा आएगा। सिस्टर को तो कोई बुलाओ। अरे हटो, मैंने कहा हटो। अरे क्या हुआ? और अरे वो क्या कर रही हो? पकड़ो इसे। अरे रानी कहाँ हो तुम? हे गौ माता सबर करो, मदद करना, सब ठीक हो जाए। अरे रस्सी है क्या? तुम सब जाओ यहाँ से। ए यहाँ क्या खड़ी हो? जाओ यहाँ से। रानी तुम उस तरफ से सर पकड़ो। हे गौ माता सबर करो, हम सब हैं यहाँ पर। अरे मदद करो सुभूति। हे सुभूति जरा आराम से, सब ठीक हो जाएगा गौ माता। वाओ सुबू, हाई फाइव। मान गई तुम्हें? तुम्हारी सास तो डरकर वहीं पर गिर गई, पता है? ये कुछ भी बकवास कर रही है। देखो तुम लोग सब गांव से थी इसलिए तुम लोगों के लिए ये सब आसान था। मुझे थोड़ी कुछ पता था सिवा बेहोश होकर गिर जाने से। सुबू तुमने कभी इंसानों की डिलीवरी की है? खुद का पता नहीं, दूसरों की डिलीवरी क्या करूं? अरे सुन, मेरे पहचान के कुछ अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, जाकर मिल लेना। जब देखो बकवास करती रहती। मैम साहब गाड़ी रेडी हो गई है। अरे हाँ, चलो, चलो, हाँ, चलो, बहुत देर हो गई। इतनी जल्दी से बैठे हैं? हाँ नियति का भी क्या खेल है ना, बच्चों को सिर्फ माँ ही संभाल सकती है। एक औरत की तबीयत जितनी भी खराब हो जन्म सिर्फ वही दे सकती है। और तो और आगे 2 साल तक बच्चे को माँ की ही जरूरत होती है। हे गोम्स, मुझे बच्चे नहीं चाहिए, इस बात से एतराज तो नहीं है? वो सब मुझे नहीं पता, वो तुम्हारा और तुम्हारे पति का सरदर्द है, जो करना है करो। हे, एक फोन कर सकती हूँ? नोरा, जस्ट 3 डेज प्लीज। ए, तुम जाकर बात करो, तुम अपना मुंह बंद रखो प्रभा, चलो। गोम्स, फोन करने पर वो इनको धमकी देके वापस बुला लेंगे। क्या? और नहीं तो क्या? ए, कहीं उसका आदमी पुलिस को इन्फॉर्म न कर दे। हे, तुम्हारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, सबके सब परेशान हो रहे होंगे। जाओ एक बार जाकर बात कर लो, जाओ। रा, कुछ भी हो जाए परसों तक तुम्हें जाने नहीं दूंगी। सब पता है, 2 रुपए छुट्टे हैं तुम्हारे पास। ए, ए, ए! हाँ दादाजी। देखो किसका फोन है। हेलो दादी, तुम ठीक हो ना? बेटा हर्षिनी तुम अच्छी हो ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम क्या घर वापस नहीं आओगी दादी? ए, लाओ मुझे दो। ए, कहाँ है तू? है कहाँ तू? तेरे पर निकल आए है ना, एक बार मेरे हाथ आ जा, देख मैं क्या करता हूँ। तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तेरे साथ वो तेरे दोनों दोस्तों को भी अकल नहीं है जो तुझे अपने साथ उठाकर लेकर गई है? पूरे समाज में हमारी बदनामी हो रही है। चुप क्यों है? बोल कहाँ है तू? मैं अभी आता हूँ। बोलते क्यों नहीं? ए, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो हेलो रा, नो सेंटिमेंट नो इमोशन। जिंदगी के सिर्फ 3 दिन, मजे करो, कुछ मत सोचो।
जाओ जाकर फोन रख दो। यू गाइज आर लकी यार, पता नहीं हमारे कॉलेज के दोस्त कभी मिल पाएंगे या नहीं। नो आइडिया। रा डोंट लूज योरसेल्फ, हिम्मत रखो। बहुत सारी हाउसवाइफ्स की यही कहानी है। जब मैं एक डॉक्यूमेंट्री बना रही थी तब पता चला उनकी कितनी आशाएं हैं और कितने सपने हैं, कितना गुस्सा भी। आपने जैसा कहा कि शादी एक सजाए काला पानी जैसी है, बस यहां से निकलना है। एक ही रास्ता है, या तो तैर कर निकल जाओ या हमेशा के लिए कैदी बनकर रहो। वॉट? ओके, जब आप स्ट्रेस में रहते हो नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालो। ओके करो ना। यहाँ? हाँ कीजिए, आई विल डू इट विद यू, कम। ए चलो भी, क्या कर रही हो तुम दोनों? हॉस्टल में जाना, हॉस्टल में जाना, जिद करके बैठे। कुछ समझ में नहीं आता, हर दो साल में मेरा ट्रांसफर होता है। बैंगलोर, नागपुर, दिल्ली, हर जगह इसको लेके घूम सकते हैं क्या? सरकार से थोड़ी ना सवाल कर सकते हैं कि हमारा ट्रांसफर दो साल में क्यों कर रहे हो? सुनो, रिश्ता अच्छा है, शादी कर लो। इतना पढ़ा दिया यही बहुत है। पढ़ाई करने गई थी या सब बकवास करने? गालिक पोत दी हमारे मुंह पे, वो सिस्टर तो इसे वापस लेने से रही। अब इसके लिए लड़का ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये सारे बहाने बनाना बंद कर दो। चुपचाप वहीं पर शादी करो जहाँ कह रहा हूँ। काफी अच्छे और बड़े घर के लोग हैं, उससे शादी करोगी तो पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छी पढ़ाई करके भी लड़की की जिंदगी सुधर जाएगी। अरे मैं यहाँ तेरी शादी की बात कर रहा हूँ, तुम बकवास किए जा रही हो। जैसा कहता हूँ वैसा करो, वरना मार मार के तुम्हारा भुत्ता। गर्ल्स, निकलो। हाँ? बाहर निकलो। हाँ? क्या हुआ रा? अरे तू क्यों आगे बैठ गई? नहीं 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 नहीं, ये क्या गाड़ी चलाने वाली है? नहीं नहीं, देखो तुम 100 बार लिखो। अरे रानी, तुझे गाड़ी चलानी आती है क्या? रानी है। ए प्रभा, गाड़ी आराम से चला। देखो तो क्या कर रही है रानी, तुझे गाड़ी चलानी आती है क्या? सच में? आगे से कभी गाड़ी चलाने की कोशिश मत करना, स्टीयरिंग भी नहीं घुमा पा रही हो। वैसे भी आप ये गाड़ी बेचने वाले हैं ना? क्यों, बाद में मैं कभी गाड़ी नहीं खरीद सकता? देखो, तुम्हारे पिताजी की वजह से मैं ये गाड़ी बेच रहा हूँ, इससे ज्यादा मैं कमा सकता हूँ। तुम्हें पता है ना मुझ में कितना दम है, सुना कि नहीं? ए, अरे तुम तो सही चला रही हो रा। रानी मान गए तुझे। इतनी तेजी से मत चला, सर संभाल कर। देख, मैंने कहा था ना थोड़ा आराम से चला। इतने सारे हाथी, हे गणपति बापा, इस बार हमें बचा ले, आज तो मरते मरते बचे हम। गोम्स, जरा चुप रहो, वो सब निकल जाएंगे, शाम का वक्त है, पानी पीने आए होंगे। रा, इंजन ऑफ करो। प्रभा, तुझे कैसे पता वो पानी पीने आए होंगे? ए, लगता है उसमें से एक गर्भवती है। क्यों, तुम जाकर डिलीवरी करने वाली हो? मैंने कहा ना चुप रहो। पुलिस वाली। हे, वो देखो मिलिट्री की गाड़ी भी आई।